22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने रविवार को रामलला के दूसरी बार दर्शन किए, लेकिन इस दर्शन के अगले ही दिन कांग्रेस के नेता रहे प्रमोद कृष्णम ने एक दावा करके सियासी सनसनी मचा दी। जब राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर बनना शुरू हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने अपने नजदीकी लोगों की एक बैठक में अमेरिका के रहने वाले अपने एक शुभचिंतक के कहने पर, इशारे पर, सलाह पर यह बात कही थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णम की माने तो राहुल गांधी ने बैठक में फैसला पलटने के लिए बाकायदा शाहबानो केस का जिक्र किया था। हमारी सरकार बनती है तो हम सुपर पावर कमीशन बना करके राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। उन्होंने यह भी कहा था, जिस तरह शाहबानो का फैसला राजीव गांधी जी ने पलटा था, तीन तलाक के मुद्दे को लेकर के शाहबानो का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसको बदल दिया गया था। तो जब शाहबानो का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता है? सवाल ये कि वाकई में कांग्रेस सत्ता में आती है और राम मंदिर का फैसला पलटती है तो जो भव्य रामलला का मंदिर अयोध्या में बना है उसका क्या होगा? बीजेपी कह रही है कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है वो राम मंदिर की विरोधी रही है। जी, इस बात पर पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है। आप देखिए कांग्रेस का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, उनकी पुरानी सोच, जिस तरह से भगवान राम को लेकर और आस्था के सवालों पर जो उनका रवैया रहा है, जिस तरह से कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं कि तारीख को और बढ़ाया जाए, उस अदालती लड़ाई का जिसके ख़त्म होने का इंतज़ार पूरा देश कर रहा था, और उसके प्रति क्या सोच रही है भगवान राम को लेकर और राम मंदिर को लेकर, तो पूरी तरह से उनकी सोच जाहिर है। यहाँ समझने वाली बात यह भी है कि राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को न्योता भेजा गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।